की तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से, जहां पर कुछ देर पहले हमने आपको बताया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और आज ये चर्चा है और ब्रेकफास्ट पर सभी सांसदों के साथ यहां पर सीएम की चर्चा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने दिल्ली से। प्रदेश के सभी सांसदों के साथ आज चर्चा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो सांसदों का बीकानेर हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी है और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका इंतजार किया जा रहा था, पहुंच चुके हैं बीकानेर हाउस और अब कुछ ही देर में चर्चा भी शुरू होगी। हमारे साथ लखवीर सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुख करेंगे। लखवीर, मुख्यमंत्री का ही इंतजार हो रहा था, पहुंच चुके हैं बीकानेर हाउस और तमाम सांसद क्या वहां पर पहुंच चुके हैं, चर्चा कब शुरू होगी? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ही इंतजार था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब पहुंच गए हैं इस संवाद में होता वो कर रहे हैं, इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। राजस्थान के तमाम जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो इस बैठक में शरीक होने के लिए आ गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं क्योंकि बैठक से तमाम सांसदों के साथ संवाद हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी के साथ तमाम जो सांसद हैं, जिनमें की भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी, मन्नालाल रावत के साथ ही दामोदर अग्रवाल, मंजू शर्मा और तमाम सांसद, जिनमें वरिष्ठ सांसदों की भी गिनती की जाए, जिनमें राव राजेंद्र सिंह, घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र गहलोत, ये तमाम सांसद इस बैठक में और इस संवाद में शामिल होने के लिए आए हैं। देखिए चंद्रश्री, काफी महत्वपूर्ण ये संवाद है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राजस्थान की भजनलाल सरकार भी अब एक साल पूरा करने जा रही है, तो कैसे डबल इंजन की सरकार राजस्थान में प्रभावी काम करे इसको लेकर पूरा संवाद हो रहा है और पूरी रणनीति तैयार हो रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और समझना दिलचस्प होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी ने जब अपना घोषणा पत्र दिया था विधानसभा लोकसभा चुनाव के समय, तब भी कई वादे और दावे किए थे, तो निश्चित रूप से वो तमाम दावे और वादे धरातल पर मजबूती से उतरे और पूरे हों। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रभावी रूप से काम दिल्ली से लेकर जयपुर तक हो और इसीलिए रणनीति भी तय की जा रही है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में राजस्थान के लिए क्या कुछ प्रभावी काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, इसको लेकर संवाद है। तो वहीं हालिया अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर भी पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, पूरा विश्लेषण होगा कि किस प्रकार से सफलता मिली है और जो दौसा की सीट पर असफलता हासिल हुई, 84 पर असफलता हासिल हुई, उनके कारणों की भी समीक्षा की जाएगी कि चूक कहाँ रह गई, क्योंकि दौसा में कैबिनेट मंत्री किरणलाल मीणा के भाई चुनाव लड़ रहे थे, पूरी सरकार का रसूख दांव पर था और कांग्रेस अब आड़े हाथ ले भी रही है। ऐसे में आगामी दिनों में जो संगठन चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का चयन किया जाना है, पूरा प्रदेश का संगठन के चुनाव होने, बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव होना है, ऐसे में उसको लेकर भी टास्क भी दिए जाएंगे, क्योंकि संगठन के जो कार्यक्रम दिए जाते हैं उनको किस प्रकार से प्रभावी रूप से निचले स्तर पर उतारा जाए। और आज की बैठक में महत्वपूर्ण संवाद अगर किसी विषय पर होगा चंद्रशी, तो वो है राइजिंग राजस्थान समिट, जिसकी अगुवाई संभवतया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंचकर करेंगे। उस समिट को कैसे सफल बनाया जाए उसको लेकर लगातार पिछले कई महीनों से भजनलाल सरकार संकल्पित है, कई प्रदेशों में रोड शो किए गए हैं, विदेशी धरती पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी गए हैं, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी भी गए हैं। उसके अतिरिक्त तमाम अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया है जो कि तमाम देशों से और वहाँ के डेलीगेट से संवाद कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो राजस्थान आएँ और इन्वेस्ट करें, ताकि राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजित किए जा सकें और राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरे। यही हर बार कहा जाता है जब भी हम सीएम को सुनते हैं, और क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव रहे थे वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी महत्वपूर्ण भी हो गए थे, क्योंकि सभी तैयारी जहां भी चुनाव प्रचार था वहां पर सीएम पहुंचे थे, मदन राठौड़ भी पहुंचे थे और कई जगह हमने देखा कि हर जगह उन्होंने एक्टिव नजर आए थे, और क्योंकि राजस्थान को बेहतर विकसित करना है इसी के लिए हमेशा सीएम की यही एक्टिवनेस रहती है और यही कार्यप्रणाली रहती है, इसी कार्यशैली के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज जो सांसदों के साथ ये पहली मीटिंग होने जा रही है उपचुनाव के बाद में, काफी मायनों में ये माइन अहम रखती है, और साथ ही जो दिसंबर में राइजिंग राजस्थान का समिट जो होने वाला है उसका जो आयोजन रखा गया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इन सब चीजों को लेकर आज चर्चा होने वाली है, तो उस चर्चा में और कौन कौन शामिल होने वाला है उनके नाम भी आप बता दीजिए।
देखिए, तमाम जो सांसद इस बैठक के लिए अपेक्षित थे, अधिकांश तमाम सांसद पहुंच चुके हैं इस बैठक में शरीक होने के लिए। हालांकि अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नहीं पहुंचे हैं, उनकी अपनी व्यस्तता है क्योंकि आज संविधान दिवस भी है, कई कार्यक्रम है, संसद भवन में तमाम सांसदों को पहुंचना है, इस लिहाज से अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ है। अधिकांश जो सांसद हैं वो आ गए हैं। देखिए, पार्टी विचार के विपरीत सांसदों को भी बुलाया गया था, तमाम जो सांसद हैं राजस्थान के, चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक रखते हों, तमाम सांसद। तो यानी कि तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में चर्चा भी शुरू हो जाएगी। बाकी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और अब चाय पर चर्चा होगी सभी सांसदों के साथ।